गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है लेसन नंबर 4। ठीक है, अकाउंट्स में हमने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है और अब अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अब हमने जो वेरी फर्स्ट वीडियो जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो अकाउंट्स है वो कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल है। वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि जो ये शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एटलीस्ट 30 मार्क्स का जो है वेटेज होता है शेयर कैपिटल प्लस उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब अपन शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तभी जाके हमको डिबेंचर वाला चैप्टर भी आएगा। ये चैप्टर एक लिंक्ड वाइज है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा था उसके अंदर से थोड़ा सा हटके चैप्टर है, इस चैप्टर में लिंक्ड है। इट मीन्स मैं आपको बोल रही हूँ कि हम पहले शेयर का इशू पढ़ेंगे, फिर शेयर का फोर फीचर पढ़ेंगे, डिबेंचर का इशू पढ़ेंगे और डिबेंचर का रिडम्पशन पढ़ेंगे। मीन्स बेसिकली ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पूरी कंपनी की ब्रांच जो है वो 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आपको ये लिंक्ड वाइज अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो दूसरा भी नहीं आएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट, अर्लियर वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इन 11th क्लास यू स्टडीड अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आपने इन सब का जो थ्योरी पोर्शन है वो 11th क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है इन सब का प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक अलग पार्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे और कंपनी एक अलग पार्ट है। सोल ट्रेडशिप जो है आपने वो 11th क्लास में प्रैक्टिकल्स इसके सीखे थे अकाउंट्स में। तो अपन कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी होता क्या है, मीन्स द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द कंपनी। एज आई मेंशन हियर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज दैट कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट है, अब आपको इस स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक गवर्निंग अथॉरिटी होती है। क्या होती है? गवर्निंग अथॉरिटीज़। ठीक है, जो वेरियस टाइप की रूल्स, रेगुलेशन, क्या क्या टास्क होंगे ये सब कंडक्ट करती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको रूल्स बनाने, सॉरी उसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्क करना पड़ता है। तो वैसे ही कंपनी की गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 जो है वो कंपनी की गवर्निंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन होती है कि मींस एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। द टर्म इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड। तो कोई सी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है? रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स अंडर द एक्ट ऑफ 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई सी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे और स्टेटमेंट आती है, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले अगर कोई सा एक्ट चल रहा था तो उसके अंदर अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो उसको भी अपन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। एक बार और क्लियर बता देती हूँ शॉर्ट में। मींस अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया, ठीक है, तो आप रजिस्टर्ड करोगे तो कौन से एक्ट में करोगे? 2013 के एक्ट में। अगर आपने 2013 के एक्ट में किया है देन इट वुड बी फाइन। अगर आपने 2013 नहीं 1956 के एक्ट में किया है देन ऑल्सो इट वुड बी फाइन। ठीक है, दोनों केस में हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। अब बात ये होती है कि 2013 एक्ट क्या और 1956 क्या है। तो कंपनीज एक 2013 जो है वो स्टार्ट हुआ था या फिर वो इनेक्ट हुआ था या कंपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था 2013 में, बट उसके पहले भी कंपनीज बन रही थी। ठीक है, तो वो कंपनी कौन से एक्ट को गवर्न करती थी? कंपनीज एक 1956। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई सी कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है या किसी रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन की कोई सी कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी जो है वो 2013 के पहले बनी है, तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है? 1956 के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है। डेफिनेशन लर्न करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि डिफाइन करो और उसके फीचर्स बताओ, तो हमको चीज़ डिफाइन भी होनी चाहिए और उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो हमने तो लीगल टर्म में कंपनी की डेफिनेशन लर्न करी है, अब अपन देखते हैं कंपनी का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग जो है वो ये है दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, तो एक होता है ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, भगवान ने बना दिया, अपन सारे टास्क करते हैं। सेम वे में जो भगवान ने जिसको नहीं इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है, तो उस पर्सन को किसने क्रिएट किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। किसके थ्रू क्रिएट हुई है, लॉ के थ्रू। लॉ मीन्स कोई सा एक्ट होगा, कुछ गवर्निंग अथॉरिटी होगी, तो उस एक्ट का नाम क्या है, 2013 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की क्या कौन सी एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स जैसे पर्सन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग, तो हर किसी के अंदर एक अपना सोल होता है, हर किसी के अंदर अपनी एक आत्मा होती है। तो अगर 5 मेंबर्स है तो उनके अंदर कितने सोल्स होंगे, 5 सोल्स होंगे। मींस दे वुड बी डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, वो सब एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। तो सेम वे में कंपनी भी होती, कंपनी वुड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अपने मेंबर से क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। तो हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग वर्किंग होती है। तो सेम वे में कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्टिंक्शन होता है। एंड परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी वुड बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एवर। कंपनी हमेशा क्या करती रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी। और हैविंग अ कॉमन सील, एज यू नो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है वो अगर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है तो वो चीज़ उसके लिए क्या बन जाती है, बाउंड बन जाती है। सेम केस में कंपनी भी तो ह्यूमन बींग, सॉरी कंपनी भी तो कंपनी को भी साइन करना पड़ेगा, तो कंपनी के हैंड्स नहीं होते तो अपन ने उसको क्या दे दी, एक तरीके की सील दे दी। आपको पता होगा जैसे अपने स्कूल की कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक स्कूल की सील लगी हुई होती है, गोल कलर की होती है, राउंड होती है, कोई से भी फॉर्म में हो सकती है, उसमें स्कूल का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वही तो है, क्योंकि स्कूल जो होता है वो साइन तो कर नहीं सकता, साइन करने के लिए कोई ह्यूमन बींग बनाना पड़ेगा। तो सेम तरीके वो सील हो जो होती है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन की साइन होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कंपनी की डेफिनेशन, दैट अ कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएटेड होती है लॉ के थ्रू, और उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो डिस्टिंक्ट होती है अपने मेंबर्स, और उनकी क्या होती है, कॉमन सील होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके फीचर्स पढ़ेंगे।